दोखा रोड पर स्थित है माणक गेस्ट हाउस, उसके पास में कुछ परिवार है जहां पर विद्युत कर्मचारियों ने बिना सूचना के ही इन घरों के बाहर से मीटर उठा लिए। इनका ये आरोप है कि बिना सूचना के मीटर उठाना जो है वो गलत है। उन्होंने कहा कि हमारे सारे बिल भरे हुए हैं, उसके बावजूद मीटर उठाना जो है वह अपराध की तरह है। यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। तब यहाँ पर मायूस जो है वह होकर के और लोगों ने इस बात की शिकायत की कि बिल पूरे जमा होने के बावजूद भी विद्युत कर्मचारियों की यह कार्रवाई जो है वह सरासर गलत है। दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का जिनके घरों से मीटर उठा लिए गए। जी सुबह 6 बजे की ये घटना है। सुबह हमें बिना इतला किए हुए ये मीटर खोल के ले गए और हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी दी नहीं गई थी कि ये किस लिए मीटर खोल रहे हैं किस लिए नहीं। हमने पूछा तो बोल रहे हैं कि हमारे पीछे से बताया गया है कि इसलिए ये मीटर खोल रहे हैं। किसी पे कर के खुला ये मीटर खराब नहीं था, ढंग से आ रहे हैं। हमें सब ना भरा भी जा रहा है, टाइम टू टाइम भरा जा रहा है। अभी 16 तारीख को ही हमने भरा है, कभी पेंडिंग नहीं छोड़ा है। उन्होंने तोड़ के रखा है, ये तार वगैरह ऐसे खुले छोड़ दिए हैं, ऐसे खुला करके छोड़ा है उन्होंने। नया मीटर लगाने के बोल रहे हैं कि हम नया मीटर लगाएंगे, इसलिए ये तोड़ रहे। माफ कर रहा, माफ तो अलग रह गयो, घर में कोई है ना है, बिजली मीटर तोड़ ले गया। कितने बजे की घटना है ये? ये सुबह 6 बजे की है। सुबह 6 बजे आ गए। इससे मीटर उतारने से पहले आपको सूचना किया था? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या बोले उन्होंने? वो आके बोले माता राम बिजली का बिल बताना, ऐसे ही बोला। बस मैं तो खड़ी रह गई। अभी जो लास्ट बिल आया वो आपके भरा हुआ है क्या? अब सारा भरा हुआ है, 7221 रुपया भरे है। अभी गरीब आदमी लॉकडाउन में कमा के रोटी खाए हैं, कितने ते बिल भरे हैं, फिर भी हमने भरा है। और फिर भी बावजूद इतने कहने पर ही वो मीटर तोड़ के ले गए हमारा।